एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इमेजिन करो एक बॉडी सर्कल में घूम रही है और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बहुत दूर की बात है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर आप सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ ये बताएं इस एग्जाम्पल करने से पहले कि अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, राइट, सर्कल में घूमती है और ये लो ये इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है जो हर पॉइंट पर टेंजेंशियल है, और मेरा क्वेश्चन है इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है और 2 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, तभी इसका नाम क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बताओ क्या ये 2 मीटर पर सेकेंड से जो मूव कर रही है बॉडी एक्सेलरेशन जनरेट कर सकती है कि नहीं? 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड चेंज नहीं करेंगे तब भी कर सकती है, हाँ या ना? कर सकती है। कैसे? डायरेक्शन। तो ये चीज हमने शायद वेक्टर में एक बार डिस्कस की थी कि अगर कोई भी कार अगर मूव करती है और वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती वेलोसिटी की और डायरेक्शन चेंज करती है तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो सकती है। और अगर तुम्हें वेक्टर थोड़ा सा याद हो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और मैंने कहा भी था सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं उस वेक्टर के क्वेश्चन को पहले करवाऊंगा फिर करूंगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सपोज आपके पास कोई कार है, ठीक, एक गाड़ी है और वो ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। उस कार ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और कहाँ कर लिया, नॉर्थ कर लिया, लेकिन स्पीड को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया 2 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा कितनी देर में किया, 10 सेकंड में किया। आपको बताना है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है इस गाड़ी का। याद करो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था और मैं कहता होता था कि ये मान लो, मान लेते हैं एक मिनट के लिए कौन सा वेक्टर है, v1 वेक्टर है, मान लो ये v2 वेक्टर है, मैंने वेक्टर चेंज क्यों किया, v वेक्टर क्यों नहीं किया, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, एक ईस्ट है एक नॉर्थ है, तो v वेक्टर कैसे लिखें, चाहे वैल्यू सेम है, एक v1 वेक्टर होगा एक v2 वेक्टर होगा, कोई डाउट? और फिर याद होगा अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को चेक करें तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया था ये वाला, इसका नाम क्या था, डेल्टा वी वेक्टर। कोई पूछेगा सर कैसे पता लगा डेल्टा वी वेक्टर, इसका नाम वी वेक्टर क्यों नहीं है, ये देखो ना ट्राइंगल, ये क्लोजिंग साइड है v2 वेक्टर, क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट है किसका, v1 वेक्टर का और डेल्टा वी वेक्टर का। चेक करो डेल्टा वी वेक्टर क्या है, v2 वेक्टर माइनस, सही है ना, इसका मतलब वो जो नया वेक्टर आया वो डेल्टा वी वेक्टर है। और अगर मैं ये पूछूं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो डेल्टा वी की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसको किससे डिवाइड करना है, टाइम से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब साफ पता लग रहा है कि ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, तो ये लेंथ क्या होगी, 2 का स्क्वायर 2√2, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या है, 2√2, तो यहां पर न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 2√2/10, ये देखो आपके सामने आंसर आ गया, एक्सेलरेशन आ गई। याद करो यही आंसर आया करता था हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। तो आपको मानना पड़ेगा अगर कार सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है वेलोसिटी की और वैल्यू चेंज नहीं करती तो भी उसमें क्या जनरेट हो जाती है, एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें, मानना पड़ेगा ये बात। अब वापस चलते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो ये है कि मान लो ये क्वेश्चन है, आपकी कोई बॉडी है और ये सर्कल में घूम रही है और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर, वो कहता देखो सर ऐसा है, ये मान लो, मैंने कहा यहाँ ड्रॉ कर, वो कहता देखो ये v1 वेक्टर है, मान लो दिस इज v1 वेक्टर। मैंने कहा ठीक है v1 वेक्टर है, टेंजेंट ड्रॉ किया, मैंने उसे बोला ना इस पॉइंट पर बता वेलोसिटी कहाँ है, उसने कहा टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं v1 वेक्टर है। फिर मैंने कहा एक काम कर, अगले ही इंस्टेंट पर, फॉर नेक्स्ट, अगला इंस्टेंट कहीं यहाँ कहीं होगा, अगले इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर। तो कहता है ये देखो ये रहा मेरा वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर, बिल्कुल अगला इंस्टेंट है। तो मैंने कहा ये क्या ड्रॉ किया, तूने डायरेक्शन कैसे चेंज कर दी? वो कहता देखो ना, क्योंकि आपने लोकेशन चेंज की हल्की सी, पहली जो बॉडी है ऐसे जा रही थी, फिर अगले इंस्टेंट पर ऐसे जाएगी, नेक्स्ट पे ऐसे जाएगी, नेक्स्ट पे ऐसे जाएगी, तो टेंजेंट चेंज होता जाएगा, डायरेक्शन टेंजेंट की चेंज होती जाएगी, ऐसे ही है। तो इस यहां इंस्टेंट पर v1 वेक्टर है, थोड़े से अगले इंस्टेंट पर v2 वेक्टर है, कोई डाउट इसमें? और यहां पर अगर मैं ये पूछूं
कि वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर का रिलेशन क्या है, क्या ये वेलोसिटीज डिफरेंट हैं? तो उसने कहा नहीं सर, अगर आप इनका मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड तो वी ही आएगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। लिखो और बनाओ, लेकिन बनाते हुए एक चीज का ख्याल रखना, डायग्राम द्वारा बनाना पड़ जाएगा, पहले देख लो एक लाइन और देख लो कि अगर मैं एक तीसरा वेक्टर लूं, तीसरा वेक्टर ये रहा, तीसरा वेक्टर ये रहा इस ट्रायंगल में, और मैं बिना देखे बता सकता हूं इसका नाम पक्का डेल्टा वी वेक्टर है। मैंने पूछा कैसे, देखो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल में वी टू वेक्टर फिर से क्लोजिंग साइड है, देख लो वी वन वेक्टर वी डेल्टा वी वेक्टर का क्लोजिंग साइड कौन है, वी टू वेक्टर है, तो यानी कि वी टू वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ वी वन वेक्टर एंड डेल्टा वी वेक्टर, तो मैं प्रूव कर सकता हूं डेल्टा वी वेक्टर क्या है, वी टू वेक्टर माइनस, इसका मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। इसका मतलब कि जब इस पार्टिकल ने अपनी सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज की, वैल्यू चेंज नहीं की, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की, तो मैंने एक चीज निकाल ली डेल्टा वी वेक्टर, तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा। और जब मैंने ये पूछा कि इसकी डायरेक्शन बताए, इसकी क्या है डेल्टा वी वेक्टर की, तो उसने कहा देखो सर इसकी डायरेक्शन कहां पॉइंट हो रही है, टुवर्ड्स सेंटर, और हमेशा सेंटर की तरफ ही होगी। तो मैंने पूछा यार ये जरूरी है सेंटर की तरफ होगी, ये तो तेरी चलाकी है। वो कहता कैसे, तूने जानबूझ के वी वन वेक्टर बड़ा रखा, जानबूझ के वी टू वेक्टर छोटा रखा, ताकि जानबूझ के डेल्टा वी इधर बन जाए, तभी स्टूडेंट को तूने रोका कि डायग्राम मत बनाना, कहीं गलती से अगर सेंटर की तरफ ना गई फिर मैं क्या जवाब दूंगा, सही है ना, गलती से छोटा बड़ा हो जाता। तो मैंने कहा फिर देख यहां बना देता हूं, ये रहा आपका वी वन वेक्टर, ये रहा अगले इंस्टेंट पर आपका कोई वी टू वेक्टर, ये जो डेल्टा वी वेक्टर होगा ना यहां पे, ये हमेशा कहां से पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स सेंटर। तुम जिस मर्जी डायग्राम को प्लॉट कर लेना, डायग्राम ऐसा ही बनेगा। मतलब ये मैंने जानबूझ के समझाने के लिए छोटा रखा है, क्योंकि मेरे को तो मालूम है सर्कुलर मोशन के अंदर ये वेलोसिटी हमेशा सेंटर की तरफ ही एक्ट करती है, और मैं थोड़ी देर में से प्रूव भी कर दूंगा डेल्टा वी सेंटर के हमेशा क्यों करता है। अभी आप ये डायग्राम ड्रॉ करो, तो डेल्टा वी कहां पर है, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है यहां तक, तो डेल्टा वी वेक्टर क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ने अपनी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं किया। वी वन वेक्टर वी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो वी रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने से डेल्टा वी क्रिएट हो गया, और डेल्टा वी क्रिएट हुआ तो मैंने ये पूछ लिया स्टूडेंट से, फिर ये बता एक्सेलरेशन जनरेट हुई, उसने कहा बिल्कुल हुई, क्योंकि एक्सेलरेशन होती क्या है, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन वी जनरेट होगी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड का मतलब डेल्टा वी हो गया अपॉन डेल्टा टी, ये एक्सेलरेशन है। तो इस डेल्टा वी होने का रीजन आपने मुझे क्या बताया, चेंज इन डायरेक्शन। डेल्टा वी क्यों एग्जिस्ट किया, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर ने क्या चीज चेंज की, डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन भी क्यों जनरेट हुई, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ने क्या चीज चेंज की, अपनी डायरेक्शन। तो ये एक्सेलरेशन होने का रीजन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होना है, ना कि उसकी वैल्यू चेंज होना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेलरेशन इसलिए नहीं आई कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हुई है, ये इसलिए आई क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ने डायरेक्शन चेंज कर ली, सही है। तो फिर मैंने पूछा ये बता कि इसकी डायरेक्शन है कहां, देखो उसने कहा जो डेल्टा वी है इसकी डायरेक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है,
टुवर्ड्स सेंटर, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहां पर है? टुवर्ड्स सेंटर, और इसलिए इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही काम करती है, इसका रीजन समझ में आया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन चेंज करती है, डेल्टा वी जनरेट हो जाता है, डेल्टा वी सेंटर की तरफ जनरेट हो जाता है, एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ जनरेट हो जाती है, और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सही है, और इसी की तो वैल्यू निकालने जा रहे हैं अब हम, इसकी वैल्यू क्या है इसको देखते हैं। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इसकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है यहां तक? ठीक है, तो अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहां होगी? टुवर्ड्स सेंटर। अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, ये आपने लिख लिया ऊपर वाला सारा, पहले देख लो प्लीज, ये पोर्शन नोट कर लिया। ठीक, अब देखने वाली बात ये है, देखो सपोज करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज करो v1 वेक्टर ने v2 वेक्टर के बीच में डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ा ना तो पार्टिकल थोड़ा मुड़ गया, और कितना एंगल, मान लो ये जो एंगल है ये डेल्टा थीटा है, मान लो ये डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा चेंज हो गया, तो v1 वेक्टर से v2 वेक्टर में चेंज क्या हो गया? डेल्टा थीटा हो गया। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहते सर एक बात बताओ, मैं मान गया ये डेल्टा थीटा कुछ एंगल चेंज हुआ होगा, ये इसलिए चेंज हुआ क्योंकि अगले इंस्टेंट पर वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज की। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। तो फिर उसने कहा जरूर पक्की बात है यहां से यहां आने में ये इस पॉइंट से अगले पॉइंट पर आने में, इसका मतलब बॉडी ने पक्का डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी डेल्टा आर वेक्टर, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता था भाई, क्योंकि डेल्टा आर तक तो बॉडी स्ट्रेट जा रही है ना, डेल्टा आर वेक्टर के इधर वेलोसिटी वेक्टर इधर है तो इधर जाके मुड़ेगी, तभी तो वेलोसिटी वेक्टर में एंगल चेंज हुआ, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर जो है वो कवर हुई, तभी गाड़ी ने डायरेक्शन को क्या किया? चेंज किया। मैंने कहा हाँ सही है, डेल्टा आर जरूर कवर किया है, क्योंकि अगर डेल्टा आर ना होता तो ये वी वन वी टू के पॉइंट एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करते, और एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी तो हो नहीं सकती, तो पॉइंट में दूरी तो है। सही है, ये पॉइंट क्लियर है? तो उसने कहा सर पिछला टॉपिक जो आपने करवाया था वो यही तो करवाया था। मैंने कहा क्या? कि अगर ये डेल्टा आर है और सेंटर के ऊपर अगर मैं ये एंगल बनाने की कोशिश करूं तो ये एंगल भी तो आपने बोला था क्या होता है? डेल्टा आर। तो आपने खुद ही तो बोला था कि अगर डेल्टा आर डिस्टेंस कवर होता है तो सेंटर में एंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डेल्टा थीटा। और अब भी तो वही बोल रहे हो कि बॉडी ने डेल्टा आर कवर किया तो वेलोसिटी वेक्टर में चेंज ऑफ एंगल क्या आ गया? डेल्टा थीटा। याद रखना कि डेल्टा थीटा सेंटर पे जो डेल्टा आर बनाएगा और वेलोसिटी वेक्टर बनाएंगे ये सेम होगा। कोई कहता सेम कैसे होगा? ध्यान से एग्जांपल सुनना। मान लो एक मिनट के लिए मैं प्रूव करने जा रहा हूं ये डेल्टा थीटा सेम है, मतलब ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। कैसे? मान लो डेल्टा थीटा जीरो है, छोड़ दो, डेल्टा थीटा जीरो समझते हो, बॉडी मूव की नहीं ओके, डेल्टा थीटा यहां पे जीरो का मतलब बॉडी यहीं पर है, बॉडी आगे बढ़ी नहीं, डेल्टा आर भी क्या हो गया? जीरो हो गया। डेल्टा थीटा यहां भी क्या हो गया? जीरो हो गया। वेलोसिटी की डायरेक्शन दो की बजाय एक होगी, मैं तो भी बोल रहा हूं एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी ना, वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर वहां पर कोइंसाइड हो जाएंगे और वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो वी है, तो इसका मतलब मानते हो ये चीज कि जितना डेल्टा थीटा यहां कवर होगा उतना डेल्टा थीटा यहां भी कवर होगा, अगर यहां नहीं कवर होगा तो फिर यहां भी कवर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां ना कवर हुआ तो दोनों वेलोसिटी एक हो जाएंगी और ये पॉइंट भी एक ही हो जाएगा, सिंपल है। तो डेल्टा थीटा यहां पर हमेशा सेम होता है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? और लास्ट स्टेप है इसमें, बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो खत्म है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या, ठीक, इसके अंदर ये देख रहे हो ट्राइंगल पूरा, इस ट्राइंगल में मैं रूल लगा रहा हूं एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये ध्यान से देखना, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल कितना है? डेल्टा थीटा।
आर्क क्या है, सामने वाली ये डिस्टेंस आर्क है, तो आर्क की वैल्यू क्या है, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस को आर्क बोलते हैं। और रेडियस क्या है, वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वो तो वी है, क्योंकि वी वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वी, वी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वी। तो एंगल इज टेन थीटा ले लिया, टेन थीटा एंगल इज आर्क बाई रेडियस, तो जैसे हम इस सेक्टर में लेते थे दिस अपॉन दिस, सेम ट्राइंगल यहां बना हुआ है, तो दिस डिस्टेंस बाई दिस डिस्टेंस आपके पास डेल्टा थीटा आ जाएगा। तो डेल्टा थीटा क्या आ गया, ये जो दूरी है डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ये लेंथ, ये दोनों लेंथ की दोनों लेंथ बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, वी इंटू डेल्टा थीटा। यहां तक लिख लें और डाउट है तो पहले पूछ लें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा थीटा ऑल्टर, यहाँ अगर एक्सिस बनाऊँ मैथमेटिकल भी प्रूव हो सकता है, थीटा थीटा 90 माइनस थीटा और थीटा भी प्रूव किया जा सकता है, पर मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना चाह नहीं रहा, मेरे को मैथ सिखाना नहीं है, मेरे को ज्योमेट्री से कुछ नहीं लेना देना, कर भी सकता हूँ और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैंने बस एक लाइन में समझा दिया, और विश्वास मानो ये डेल्टा थीटा ही होता है, मतलब इसको प्रूव करके आपको कुछ ज़िंदगी में मिलने वाला है नहीं फिजिक्स में, ये मैं पहले बता दूँ आपको मैं, तो इसकी डिटेल में मत जाना क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इतना विश्वास मेरे पे कर लो डेल्टा थीटा ही होता है। ठीक, यहां पर यहां तक क्लियर है, आखिरी स्टेप देख लो, अब यहां पे डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, याद करो v का फॉर्मूला, पिछला एक्सप्रेशन याद करो क्या था, r ओमेगा, और डेल्टा थीटा का एक्सप्रेशन याद करो क्या था, ओमेगा इंटू डेल्टा t, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है s इज इक्वल टू ओमेगा t नहीं होता, s इज इक्वल टू vt, तो डेल्टा थीटा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा ही ओमेगा इंटू डेल्टा t, अच्छा ऐसे कर लो, ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक ही तो बात है, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो ओमेगा इंटू डेल्टा टी, इस डेल्टा टी को नीचे ले आओ, डेल्टा वी वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये क्या आएगा, आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, मुझे दिख रही है कुछ एक्सेलरेशन, और डेल्टा वी का मॉड अपॉन डेल्टा टी क्या होती है, एक्सेलरेशन, अब डिस्कस किया था इस एक्सेलरेशन का नाम क्या था, सेंट्रिपिटल, क्योंकि डेल्टा वी टुवर्ड सेंटर था, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, फॉर्मूला नोट करो, आर ओमेगा स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, चिंता ना करो आपसे कोई बनवा के देखने वाला नहीं है, आपसे कुछ ना आएगा इसमें, कोई नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, इसके ऊपर यूज कैसे करना है वो करना है हमने, वो आएगा पेपर में, पर लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हो सर ये कैसे आया, मुझे बताना ही पड़ेगा ना। है अब मुझे यह बताओ कि डेल्टा वी होने का रीजन क्या था, डेल्टा वी क्यों आया, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, यही था, तो फिर एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल होने का रीजन भी क्या है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो यानी कि नॉर्मल जो एक्सेलरेशन होती है जब गाड़ी बिल्कुल सीधी चलती है तब एक्सेलरेशन होती है, जब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, पर यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी का, यहां पर क्या चीज चेंज हो रही है, डायरेक्शन, तो जब डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की तो कौन सी एक्सेलरेशन जनरेट हो जाती है, सेंट्रिपिटल, तो फिर ये लिख लेना यहां पे एक और चीज लिख लेना, क्योंकि वी का फॉर्मूला आर ओमेगा होता है, ओमेगा वी बाय आर होता है, अगर मैं ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करूं आर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ये दोनों फॉर्मूलास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूलास हैं, फॉर्मूला बुकलेट में भी नोट कर लो, वैसे भी नोट कर लो, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के दोनों फॉर्मूलास हैं, अगर न्यूमेरिकल में
आपको ओमेगा की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो ये यूज करेंगे, अगर आपको वी की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो ये यूज करेंगे, दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो इसके अंदर ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लेना, रीज़न फॉर सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, सेंट्रिपिटल एक्सलेशन होने का रीजन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, सपोज अगर आपके पास कोई एम मास है, पॉइंट मास एम है, जो सर्कल में घूम रहा है और जिसके पास सेंट्रिपिटल एक्सलेशन है जो कि हमेशा कनेक्ट करेगी टुवर्ड सेंटर, तो इसके पास फोर्स क्या होगी? मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सलेशन। अगर किसी मास के पास एक्सलेशन है सेंट्रिपिटल तो फोर्स क्या होगी? एम इन टू ए, क्योंकि एक्सलेशन टुवर्ड सेंटर है, फोर्स भी कहाँ ऐड करेगी? टुवर्ड सेंटर, और जो फोर्स टुवर्ड सेंटर ऐड करती है उसका नाम क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स के दो फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि एक्सलेशन के दो फॉर्मूलाज हैं, पहला एम वी स्क्वायर बाय आर और दूसरा एम आर ओमेगा का स्क्वायर। नोट करें सेंट्रिपिटल फोर्स। सही, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर वेलोसिटी वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो डेल्टा वी जनरेट होता है, डेल्टा वी वेक्टर कहाँ एक्ट करता है? टुवर्ड सेंटर है, तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन जनरेट होती है जो कि टुवर्ड सेंटर है, मास से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सलेशन को तो फोर्स आएगी, वो फोर्स भी टुवर्ड सेंटर है जिसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। ऐसे ही आया, या ये कहानी ऐसे सीखी, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अब प्रैक्टिकली क्या होता है ध्यान से समझो, मैंने एक पत्थर लिया और एक स्ट्रिंग को लिया और टेबल पे रख दिया और पत्थर को कहा कि एक्सप्लेन कर पूरी फिजिक्स, कैसे करेगा यार? खुद तो घूम नहीं सकता ना, कैसे दिखाएगा घूम के? घुमाने के लिए किसको कितना कष्ट करना पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा, तो मैं क्या लगाऊंगा? फोर्स। सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? फोर्स। अब मैं रस्सी पकड़ूंगा, पत्थर को फोर्स से घुमाऊंगा, वो फोर्स पता है कहाँ लगाऊंगा? टुवर्ड्स सेंटर। तो मैं कौन सी फोर्स दूंगा उस पत्थर को? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो क्या जनरेट होगी? सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन
क्या करेगी, डेल्टा वी जनरेट करेगी। और डेल्टा वी क्यों एग्जिस्ट करता है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, पत्थर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी शुरू कर देगा और सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। उल्टा पढ़ाई हमने उल्टी की कि चलो घूम रहा था, डायरेक्शन चेंज हुई वेलोसिटी की तो एक्सेलरेशन हुई, फोर्स हुई। प्रैक्टिकल तो उल्टा है, पहले तुम फोर्स लगाओगे सेंट्रीपिटल तो वो एक्सेलरेशन जनरेट करेगा जिससे कि डायरेक्शन चेंज होगी और वो सर्कल में घूमना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है ये पूरी कहानी कैसे चल रही है? तो प्रैक्टिकल हम उल्टा पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल में V1 V2 वेक्टर पे काम ही नहीं करने वाले। तभी तो बोल रहा था चिंता मत करो, इस एक्सप्रेशन का कोई इतना यूज नहीं होने वाला, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में सीधी फोर्स पे ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम वेलोसिटी चेंज कुछ नहीं करते, हम सीधा बोलते हैं कि सर्कल में घूम रहा है या नहीं घूम रहा। घूम रहा है तो ये फोर्स है, नहीं घूम रहा फोर्स नहीं है, खत्म। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इसकी एप्लीकेशन अब हम करने वाले हैं, ठीक।